1 month ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैंने अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं कराची जा रहा हूँ, तो दोस्त की शादी भी थी तो मैं वहाँ पे उसकी शादी अटेंड करने गया था और 1 महीना मैंने पूरा इंजॉय किया कराची में, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। माइंड फ्रेश करने के लिए कराची भी गया था अपने बचपन के दोस्तों के साथ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बट और मैं 1 महीने बाद अब आ चुका हूँ और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और अब डेली इस वीडियो आती रहेंगी। ठीक, अब हम आते सीधा टॉपिक के ऊपर। कलमिंग का न्यू सॉन्ग आ चुका है और इस सॉन्ग का नाम है रिग्रेट। और ईशा वाली जो पूरी पूरी जो ईपी जो बन रही है हर साल जो आती है, वो मैं सुन रहा था 3 दिन पहले। तो उसके बाद अचानक से ना दोस्त ने मेरे को मैसेज करा और उसने बोला कलमिंग का एक सॉन्ग आया वो सुन, ईशा। तो उसके अंदर ईशा का नाम लिखा हुआ, तो मैंने वो सॉन्ग उस टाइम मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। मैंने आधा सॉन्ग सुना और मेरे को काफ़ी अच्छा सॉन्ग लगा ब्रो, पुराने सॉन्ग से बेहतर मेरे को ये सॉन्ग लगा। और मेरे को पता था अपग्रेड तो कलमिंग अपने आप को करेगा और वैसा ही हुआ, और कलमिंग की तरफ से लास्ट मिक्स टेप है। तो अभी हम आते हैं रिग्रेट सॉन्ग के ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ, ओके। और 1 महीना जो गायब रहा तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है, अब वीडियोस आती रहेंगी। तो अब मैं बैठा हूँ, कोई बात, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके, लेट्स गो ब्रो। ये सॉन्ग खतरनाक होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। तुझे डर लगता है मैं वादे करूंगा और फिर बदल जाऊंगा। आई नो तो टूटी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूंगा मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। तो कितनी मासूम सी खबरे से दिल क्यों लगा बैठी है। मैं अकेले कमरे में बंद आंखें खुली देखा तू बैठी है। दिस पेन इज फॉर रियल, रिग्रेट भी ये रियल है। आई नो मैं धोखे दे जाता हूँ पर इस बारी सारा का सारा ये रियल है। बस मैंने यहाँ तक ये सॉन्ग सुना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देकर ही रहूंगा। डूड अभी 54 सेकेंड हुए, ठीक है, और इस सॉन्ग को स्टार्ट हुए 30 सेकेंड हो गए होंगे। तो यही सिर्फ मैं वर्स सुन के मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रिएक्शन दूंगा इस वीडियो पे और मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा इस सॉन्ग के ऊपर। और कलबिंग के बहुत सारे सॉन्ग हैं जो मैंने अभी तक नहीं सुने, और ईशा वाली जो स्टोरी है, और अगर ये किसी को पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में आके सही से समझाना, ठीक है, और कमेंट में आके मेरे को जरूर बताना। मुझे नहीं पता बट जी ये जो सॉन्ग आ रहे हैं इसके जरिए क्या क्या हुआ था इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिसको फुल स्टोरी पता है वो मेरे को कमेंट में आके जरूर बताना। और मुझे लगता है शायद इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यार चलो तो देखते हैं। और अब आते हैं सॉन्ग के ऊपर। डूड ये सॉन्ग काफी हार्ड चल रहा है अभी तक, और यहां तक मैंने सुना था और यहां तक मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। टेक्स्ट मैंने बहुत भेजे बेबी तेरे नाम के, हाँ दिया मैंने चीट विद नो रीजन, माफी आपसे तो दुनिया से अलग मुझे लगती मैं पूज और मैं प्यार आया पार्ट मुझे शर्म खुद के नाम से। आने लगे क्यों जब भी सोचूं अपनी आदतें, इधर उधर मुंह मारूं वैसी भी क्या आफत है, जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे वो खाल गए छोड़ आई नहीं मेरा मतलब सांप। अब टेक्स्ट करे सारे बोले भाई मुझे मिलना है, मेरा कजन फैन तेरा उनको तुझसे मिलना है, पर मुझे लगा शायद उन्हें गलती एहसास है पर मेरी गलत फहमी मुझे ऐसो से नहीं मिलना है। अब देते वो दिला से और मैं कहता भाई रहन दो, लेके तुझे के कुछ शर्म नहीं थी मेरे को मैं चल रहा था बदले में आके कुछ दोस्तों के, तूने ही समझाया बोला बेबी छोड़ो रहन दो। क्या बातें बोल के गए, ये बता रहा कलेमिंग इसके अंदर के तेरी वजह से अपने दोस्तों की वजह से मैंने तेरे साथ इस तरह का सलूक करा और तूने मेरे को प्यार दिया पर मैंने किसी और को प्यार दिया और मेरे को पता है अब मैंने जो किया है वो गलत किया है। तो कलेमिंग यही बता रहा है कि मैंने अपने दोस्तों की वजह से और जो तूने मेरे को प्यार दिया उनकी वजह से मतलब तेरे से मैं दूर हो चुका था, स्टोरी यही बता रहा है, ठीक है। और ये क्या फ्लो पकड़ा था कलेमिंग ने यार इस टाइम, वाह मजा आ रहा है। आगे यहाँ अपने भी अपने नहीं होते, तू तो पराई और फिर भी संभाला है, हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे तूने तो टूटा इंसान सजाया है। तू काफी हसीन सी चीज है खोके तू लोगों को दुआ दे जाती है, वरना ये दुनिया हराम या कोई भी चीज दिल से उतर जाती है। तेरे दर्द करे ब्लीड अप हमें बदला इंसान सारे मैसेज छोड़ू सीन पर, सिर्फ मतलब पे कॉल करे भाई तू मुश्किल हालातों में कहाँ था तू स्पीक अप, इनकी बातें मुझे इरिटेट करे दे डोंट मेक सेंस औरतों से ज्यादा ये हैं बिच साले, जब भी सोचूं कि मैं लिख नहीं पाऊंगा तो जख्म तेरे दर्द देके बोले मुझे लिखता रहे।
अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा, बोले मेरे दोस्त जो है वो औरतों से ज्यादा बीचे हैं वो लड़कियों से भी ज्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं, और जब मैं लिख नहीं पाता तो वो मेरे को ईशा के नाम के दर्द देके ईशा की स्टोरियां मतलब वापस रिमाइंड करवा के, हर चीज याद करवा के, तो फिर मेरे को बोलते चल बेटा वापस लिखना स्टार्ट कर, अब तो लिखता रहे। तो कल मैं ये बता रहा डूड, मैं इस बात पे मैं क्या बोलूं डू, मेरे को समझ नहीं आ रहा ब्रो, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस लाइन के ऊपर जो कलमिंग ने बोली है कि वो मेरे को दर्द देके बोले कि बेटा अब तो लिखता रहे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है डूड, आगे सुनो लेट्स गो। मुझे लिखता रहे, मुझे फर्क नहीं अब कौन मुझे क्या सोचे, घटिया इंसान है ये साले, इनकी क्या ही सोचे। दिस इज अ लेटर टू यू जिनमें मेरे रिग्रेट है, नशे का शौकीन हूं मैं, जेब में बस रिग्रेट्स अ वन पैक डाउन, तेरी यादें मेरे सर चढ़े, सीढ़ी था मैं मतलब की जिस पे जानी सब चढ़े, तीन चार दिन तो मैं कमरे में बंद था, वो भी बदल गया जिसे बदलने का डर था मेरे, अब हम क्या ही करे, तुझे दिए हुए धोखों का हिसाब मैंने लिख दिया है, अब वो खुदा इंतजार न करे, हम बेकार रह गए, तुम तबाह कर गए, ये वैसी हवाओं को हम फिर से रुलाएंगे, तुम जुल्म करो जाना हम हंस कर सजाएंगे, मुझे छोड़ के भरोसा रखे सब पर, तू सबर करो जाना वो सब फायदा उठाएंगे। सहारे होते हैं लाखों से जीतने वाले, एक से हारे होते हैं। टूटी चीज के सहारे होते हैं, लाखों से जीतने वाले एक से हारे होते हैं। क्या लाइन है यार ये कलमिंग। जब ईशा का नाम मैंने पढ़ा था ना, और इस सॉन्ग का नाम जब मैंने देखा था रिग्रेट, तभी मैं समझ गया था जो पुराने जो सॉन्ग थे ईशा वाले, ये उससे डबल ट्रिपल ऊपर आएगा, और वही चीज हुआ जो कलमिंग ब्रो बहुत गंदा आर्टिस्ट है कसम। मैं पहले मैसेज बताऊं, जब राता था सॉन्ग आया था ना, राता था, तब मैं कलमिंग को ऐसा आर्टिस्ट नहीं समझता था कि यार भाई, ये था कि हाँ यार अच्छे सॉन्ग बनाता ओके, इस टाइप को समझता था, ठीक है जो दिल की बात है, इस टाइप को समझता था कलमिंग को कि हाँ अच्छे सॉन्ग बनाता है, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी आर्टिस्ट भी तो अच्छे बना रहे हैं। लेकिन जब कलमिंग के बाकी मैंने और सॉन्ग सुनना स्टार्ट हुआ ब्रो, कलमिंग ऐसा दिल में बड़ा है ना, और अभी तक घुसा हुआ ये दिल के अंदर, क्योंकि कलमिंग के मेरे सारे एल्बम सारे सॉन्ग मैं कलमिंग के सुन चुका हूँ, और तकरीबन कलमिंग के 8 से 9 गाने मेरे पास प्लेलिस्ट में हैं जो मैं सुनता हूँ। ऐसे ऐसे कलमिंग ने सॉन्ग दिए, और यही है यार जो बोलते हैं बाबू भैया की वजह से वही कलमिंग देखा है, नहीं ब्रो, कलमिंग की अपनी मेहनत है, मेहनत की वजह से उसको फॉलोअर्स मिले, मेहनत की वजह से उसके सॉन्ग हिट हो रहे हैं, लास्ट भी नहीं है बाबू भैया की वजह से कलमिंग हिट हुआ। बाबू भैया वो है अपना UK07 कलमिंग का बड़ा भाई, जो मोटर ब्लॉगर करता है, और उसके 7-8 बिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, ठीक है, उसके वजह से लोग बोलते हैं कलमिंग फेमस है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ब्रो, कलमिंग का अपना टैलेंट है, वो खुद मेहनत करता है, तो इस वजह से कलमिंग फेमस है। और ये सॉन्ग सुनने के बाद ब्रो तुम्हारी सोच तो खत्म है, रोए पन्नों में कलम के सहारे, वो गीत नहीं होते वो पैगाम होते हैं, जो मौत के साथ हम वो वाली नस्ल है, बस करो जाना मेरे घर के भी मसले हैं, तेरे चले जाना दूर इतना आसान नहीं था, सामने से गया वो मैं बिल्कुल हैरान नहीं था, मेरे बारे करे आर्टिकल या शिट टॉक, फ्लो सो स्मूथ जैसे बीट टू हो मून वॉक, मजा जो खोने में वो बिल्कुल नहीं पाने में, कभी कभी लगे साली जिंदगी मजाक, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में, दिस इज लाइफ, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में, आधी लगी दूर जाने में। बताओ मैं क्या बोलूँ इस सॉन्ग के बारे में ब्रो, मैंने जितनी तारीफ करनी थी मेरे को लग रहा मैंने स्टॉप कर करके मैंने उतनी तारीफ कर चुका हूँ। ये जो कलमिंग ने बोला आधी उम्र लगे पास आने में और आधी उम्र लगे दूर जाने में, तो बाकी जो सारी जिंदगी ये तो खत्म हो गई यहीं पर ही यार कलमिंग ब्रो बहुत हार्ड बंदा है, ठीक है, कलमिंग की अभी किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ बीफ हो गई ना
तो मुझे लगता है अच्छा है यार, कलमिंग अच्छा है यार, कलमिंग इसका साउंड भी अच्छा है। कलमिंग ने जो यार, बस मुझे इस सॉन्ग के अंदर इतना मजा आया कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। कलमिंग का जो फ्लो था वो बहुत मजेदार चला है इस सॉन्ग के अंदर ब्रो, इसलिए मेरे को ये सॉन्ग पसंद आया। और इसकी जो वर्स कलमिंग ने लिखे हैं, वर्स जो मारे हैं, रूट दिल पे लगे सीधा आगे, जो बाई तो जो कलमिंग ने बीच बीच में बोली है ना, वो सीधा दिमाग पे लगे, दिल पे आगे लगे। तो इस सॉन्ग को वापस प्ले करता, और अब मैं ये सॉन्ग नहीं रोकूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते, लेट्स गो, ताकि मेरा फ्लो भी खराब ना हो और आप कभी। डर लगता है मैं वादे करूंगा और फिर बदल जाऊंगा। आई नो तो टूटी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूंगा मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। तो कितनी मासूम सी खबरे से दिल क्यों लगा बैठी है? मैं अकेले कमरे में बंद, आंखें खुली देखा तू बैठी है। दिस पेन इज फॉर रियल, रिग्रेट भी ये रियल है। आई नो मैं धोखे दे जाता हूँ, पर इस बार सारा का सारा ये रियल है। टेक्स मैंने बहुत भेजे बेबी तेरे नाम के, हाँ किया मैंने चीट विद नो रीजन, माफी आपसे। तो दुनिया से अलग मुझे लगती मैं फूज, और मैं प्यार आया पार्ट मुझे शर्म खुद के नाम से। आने लगे क्यों जब भी सोचूं अपनी आदतें, इधर उधर मुंह मारूं वैसी भी क्या आफत है। जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे, वो खाल गए छोड़, आई मीन मेरा मतलब सांप। अब टेक्स्ट करे सारे बोले भाई मुझे मिलना है, मेरा कजन फैन तेरा उनको तुझसे मिलना है। पर मुझे लगा शायद उन्हें गलती एहसास है, पर मेरी गलत फहमी मुझे ऐसों से नहीं मिलना है। अब देते वो दिलासे और मैं कहता भाई रहन दो, लेकिन तुझे देखे कुछ शर्म नहीं थी मेरे को। मैं चल रहा था बदले में आके कुछ दोस्तों के, तूने ही समझाया बोला बेबी छोड़ो रहन दो। यहाँ अपने भी अपने नहीं होते, तू तो पराई और फिर भी संभाला है। हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे, तूने तो टूटा इंसान सजाया है। तू काफी हसीन सी चीज है, खोके तू लोगों को दुआ दे जाती है। वरना ये दुनिया हराम, या कोई भी चीज दिल से उतर जाती है। तेरे दर्द करे ब्लीड अब, हमें बदला इंसान सारे मैसेज छोड़ू सीन पर। सिर्फ मतलब पे कॉल करे भाई तू, मुश्किल हालातों में कहाँ था तू स्पीक अप। इनकी बातें मुझे इरिटेट करे, दे डोंट मेक सेंस, औरतों से ज्यादा ये हैं बेच साले। जब भी सोचू के मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो जख्म तेरे दर्द देके बोले मुझे लिखता रहे, मुझे लिखता रहे। मुझे फर्क नहीं अब कौन मुझे क्या सोचे, घटिया इंसान है ये साले, इनसे क्या ही सोचे। दिस इज अ लेटर टू यू, जिनमें मेरे रिग्रेट है। नशे का शौकीन हूँ मैं, जेब में बस सिगरेट है। वन पैक डाउन तेरी यादें मेरे सर चढ़े, सीढ़ी था मैं मतलब की जिसपे जानी सब चढ़े। तीन चार दिन तो मैं कमरे में बंद था, वो भी बदल गया जिसे बदलने का डर था मेरे। अब हम क्या ही करे, तुझे दिए हुए धोखों का हिसाब मैंने लिख दिया है। अब वो खुदा इंतजार न करे, हम बेकार रह गए, तुम तबाह कर गए। वैसी हवाओं को हम फिर से रुलाएंगे, तुम जुल्म करो जाना हम हंस कर सजाएंगे। मुझे छोड़ के भरोसा रखे सब पर, तू सबर करो जाना वो सब फायदा उठाएंगे। एंड है ये सॉन्ग, डूड एंड। टूटी चीज को सहारे होते हैं, लाखों से जीतने वाले एक से हारे होते हैं। जब शायर रोए पन्नों में कलम के सहारे, वो गीत नहीं होते वो पैगाम होते हैं। जो मौत तक के साथ हम वो वाली नस्ल है। बस करो जाना मेरे घर के भी मसले हैं, तेरे चले जाना दूर इतना आसान नहीं था। सामने से गया वो मैं बिल्कुल हैरान नहीं था, मेरे बारे करे आर्टिकल या शिट टॉक। फ्लो सो स्मूथ जैसे बीट टू हो मून वॉक, मजा जो खोने में वो बिल्कुल नहीं पाने में। कभी कभी लगे साली जिंदगी मजाक, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में। दिस इज लाइफ, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में, आधी लगी दूर जाने में, आधी उम्र लगे पास द लास्ट मिक्स ए हो गए। आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट में आके मेरे को जरूर बताना। और हाँ एक बात और कमेंट करके ये बता देना कि पहले जो सॉन्ग आते थे ईशा वाले,
उससे ये काफी अच्छा है या नहीं। मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा ये वाला सॉन्ग, ठीक है। और इसके अंदर जो कलबिंग ने फ्लो अपना दिखाया, फ्लो पकड़ा है उस पे, जो बीट्स पे जो कलबिंग ने जो खेला है बीटों के साथ, ब्रो काफी ज्यादा मजा आया। और कलबिंग ने जो दिल की बातें लिखी हैं कि दोस्तों के वजह से ये किया मैंने, और अब वो सारे स्नेक थे वो सारे डस के चले गए, और तेरे को मैंने बहुत दर्द दिया पर अब मेरे को रिग्रेट है, तेरे को मैंने क्यों दर्द दिया। बहुत सी बातें बोली कलेमिंग ने कि लाखों से जीतने वाले एक से हारे होते हैं, ठीक है। और एक और लाइन जो मेरे दिल पे लगी आगे, आधी उम्र लगे पास आने में, आधी उम्र लगे दूर जाने में। बहुत सारी बातें बोली है ब्रो कलेमिंग ने इस सॉन्ग के अंदर, जो जो मेरे दिल पे आगे लाइन लगी। और ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है डूड, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, सुनना ज़रूर कलेमिंग का ये वाला सॉन्ग। तो आप, हाँ कलेमिंग की आप वीडियो देख रहे हो तो ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये सॉन्ग अच्छा लगा तो कमेंट में आके मेरे को ज़रूर बताना। और ग्लोरी एल्बम आई थी यो यो हनी सिंह की, ठीक है, तब मैं कराची में था और तब मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई थी। और अगर आप लोग चाहते हो उस पर मैं वीडियोस बनाऊँ, पूरी एल्बम मैंने सुनी है एक बार सिर्फ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं तो मेरे को कमेंट में आके जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और अब वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।